हेलो गेमर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा अजीब सी चीजें करने वाले हैं। बेसिकली मैं इंडियन बाइट थर्ड गेम के मैप को रीडिजाइन करने वाला हूँ एआई की हेल्प से। तो प्लान कुछ ऐसा है, मेरे पास एक एआई का टूल है और हमारा गेम है। जैसे कि मैं यहाँ ये घर है, इस घर का फोटो लूंगा और इसको रीडिजाइन करवाऊंगा एक एआई टूल से। और हाँ, ये घर बस नहीं, मैं और भी काफी सारी चीजें हैं जो एआई से रीडिजाइन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो क्या हालचाल जी, आपने इंट्रो में तो देख लिया होगा मैं एआई से आज कुछ रीडिजाइन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो प्यारा सा घर है इसे ही रीडिजाइन करवाने वाले हैं। काफी अपडेट, कितने सारे अपडेट आ गए ये अभी तक इस मैप में है। कुछ चेंज करो यार डेवलपर वाले भैया, उनका तो पता नहीं, पर हम एआई से करवा के देखते हैं अगर इधर पे अलग अलग घर आएंगे तो कैसे कैसे दिख सकते हैं वो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इधर का एक फोटो और ये है वो एआई। इधर पे मुझे पहले तो एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा, मैं ये कर देता हूँ यार ये फोटो अपलोड। तो ये है वो फोटो जो हमने अभी ली है अपने घर की। तो यहाँ पे सिंपली उतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, यहाँ पे मुझे जस्ट फॉन्ट डालनी है और ये जनरेट करके दे देगा। तो पहले तो मैं ये घर सेलेक्ट कर लेता हूँ, घर डन। अब बस हमें इधर पे फॉन्ट डालनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट हाउस। और अब बस हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो इसे आई ने हमें चार चीजें बना के दी हैं। तो ये पहला वाला तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये वाला भी ये थोड़ा सही सा दिख रहा है वैसे, पर ये आजू बाजू कचड़ा कर दिया इसने। तो मैं ना इससे और बनवा के देखता हूँ ये कैसा घर बना दिया इसने। और ये चीजें यहाँ पे क्यों है, ये तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ मॉडर्न हाउस लिखा था। दूसरा घर लो इसमें भी अरे ये तो कितने सारी चीजों में यही कर दिया इसने। एक सेकेंड, शायद ये डस्टबिन के वजह से एआई ने कुछ उससे रिलेटेड पकड़ लिया और वो सब में डाल दिया, हो सकता है मे बी। 5 minutes later. तो इस बार तो एआई ने ये कुछ फैक्ट्री सा बना दिया, घर तो लगी ना रहा ये, और भी घर बनाया इसने, पर ये पिछली बार से इम्प्रूव तो हुआ है ये। मुझे तो सबसे सही ये वाला घर लग रहा है और ये वाला तो मॉडर्न बस स्टैंड सा लग रहा है, इसके अंदर कुछ है ही ना। तो इन सभी घरों में से ना तो मुझे ये वाला सही लग रहा है, तो इसे कर देता हूँ डाउनलोड। तो नेक्स्ट अब हम एयरपोर्ट पे ट्राई करके देखते हैं, अगर इस पे अलग अलग डेवलपर जी बनाए कुछ तो कैसा कैसा दिख सकता है। तो मैं फोटो कैसे लूं ऐसे इधर का, किधर से फोटो लूं कि पूरा ये आ जाए एयरपोर्ट आ जाए। हेलीकॉप्टर लेते हैं ना, उधर ऊपर से चल के फोटो लेंगे। तो इधर पास से ले लेता हूं फोटो, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है सामने, पर ये एआई से रिमूव करवा देंगे हम, सब एआई से हो जाएगा। तो इधर पे कर देते हैं फोटो अपलोड। तो सबसे पहले तो मैं ये सब रिमूव कर दूं, ये जो बटन्स आ रहे हैं, तो इधर पे लिख देते हैं रिमूव और ये सब रिमूव कर देगा। रिमूव डन। अब मुझे ये हेलीकॉप्टर भी रिमूव करने पड़ेगा, तभी तो खाली खाली होगा। तो हेलीकॉप्टर भी हो गया, अब बस हमें यहाँ पे एयरपोर्ट जनरेट करना है। तो इधर पे लिख देता हूँ जनरेट एयरपोर्ट। Nope. अरे ये क्या बना दिया, फॉन्ट अच्छे से डाल देता हूँ, ये जनरेट एयरपोर्ट बस से समझ ना पा रहा हूँ, बिल्डिंग लिख देता हूँ। अब अच्छे से बनेगी बड़े भाई। 5 minutes later. इस बार सही से बनाया है, ऐसा प्लेन व्लेन नहीं लाया, थोड़ा लग तो रहा है एयरपोर्ट सा, पर ये थोड़ा अजीब सा यहाँ पे साइड में पानी पानी सा कर दिया पूरा। और भी काफी सारे बनाए इसने, ये वाला वो ये तो पूरा कचड़ा ही कर दिया इसने। और ये वाला एयरपोर्ट लग रहा है कहीं से, और इसको देख के लग रहा है बमबारी हुई है इधर पे, कैसे ये पूरा टूटा फूटा है अंदर से प्लेन। तो ये वाला देखने में थोड़ा लग रहा है एयरपोर्ट सा, अगर ऐसा डेवलपर वाले भैया आप गेम में ला दो ना, गेम क्या मस्त चुम्बेश्वरी हो जाएगा एयरपोर्ट वाला एरिया। तो ये वाला भी सही है, तो दोनों ही सही है यार, मैंने अभी जो पिछला वाला दिखाया और ये वाला दोनों ही सही है, पर ये वाला ज्यादा सही है, तो इसे कर देता हूँ डाउनलोड। तो एक और मस्ती लोकेशन मुझे पता चला, पहले तो मैं एक हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर लेता हूँ, हेलीकॉप्टर से चलना पड़ेगा ना उधर। तो इधर पे सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी, शायद यहाँ पे तो कोई ऊंची ना दिख रही, मे बी यही वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो इधर पे हो जाते हैं लैंड। तो अब बताते हैं हम तुमको, यहाँ से हम एक लेंगे फोटो और यहाँ के एरिया को रीजनरेट करवाते, देखते हैं आई क्या क्या बनाता है। तो इधर से ले लेते हैं एक फोटो, तो ये रही वो फोटो और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसे रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। रिमूव तो हो गया ये, पर ये वाला ये सब अजीब अजीब सा कर दिया भाई इसने, यही वाला रह देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो इधर से कर देते हैं सारी बिल्डिंग को रिमूव और जनरेट करते हैं नई सिटी, देखते हैं क्या बनाता है। मेरे को तो नहीं लगता समझ भी ना पाएगा ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इसको। तो हमने अपने शब्द लिख दिए और अब एआई का देखते हैं कि ये समझ पाता है कि नहीं पाता। एआई वाले भैया कार्टून बना दिया यार, ऐसे थोड़ी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसने क्या बना दिया ये। एक बिल्डिंग में करके देखता हूँ पहले, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं लिख के कहना चाह रहा हूँ वो कर पाते कि नहीं। अभी इसने कार्टून ही बनाया, अभी एक बिल्डिंग में किया तो कितना प्यारा प्यारा बिल्डिंग बना दिया भाई इसने। तो अभी हमें इस फोटो में सिर्फ बिल्डिंग्स और मैप भरना है, तो मैं ऊपर यहाँ पे पूरा ये कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग की तो चाहिए हमें बस। तो ये क्या बना दिया भाई इसने, ये वाला बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग है पर इसमें भी काफी सारी अलग अलग मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग हवा में उड़ रही है और ये आधा बिल्डिंग दिख रहा है इधर पे, पर ये चीज तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो मुझे तो ये सही लग रहा है, काफी भरा भरा सा लग रहा है, पूरा बिल्डिंग हो गया। तो मैं इसे कर देता हूँ जल्दी से डाउनलोड और अब देखते हैं फाइनल फोटोज, कंपेयर करते हैं क्या क्या हमने बनाया है, कितना चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल वाला और ये है एआई वाला, और कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, ऐसा भरा भरा सा लगने लगा पीछे बिल्डिंग है ना। तुम लोग इसे रेट कितना देना चाहोगे 10 में से? मेरे हिसाब से तो ये 7 डिजर्व करता है। अब ये फोटो में से ये नॉर्मल और ये एआई वाला, और अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूं तो ये 6 डिजर्व करता है, क्योंकि सही सही सा लग रहा है घर। और ये चीज एयरपोर्ट वाला भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है, एकदम मैच ही नहीं कर रहा ये फोटो से, ये फोटो पूरा अलग सा है। तीसरे तो मैं अगर रेटिंग देना चाहूं तो 10 में से 8 डिजर्व करता है। वैसे तुम इसको कितना नंबर देना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना सर जी, इंस्टा पे भी फॉलो यार, वहां पे 2000 पे अटकाऊं, 3000 हो ही नहीं रहे मेरे।